आज हम एक ऐसी एसयूवी के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी वजह से महिंद्रा स्कॉर्पियो जैसी लेजेंड एसयूवी का जन्म हुआ। ऐसा माना जाता है कि अगर ये एसयूवी इंडिया में लॉन्च ना की जाती तो आज इंडियन मार्केट में स्कॉर्पियो भी नहीं होती। अगर आप उस गाड़ी का नाम जानते हो तो कमेंट में बताओ, और नहीं जानते हो तो वीडियो को देखते रहो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटिशियंस की पहली पसंद टाटा सफारी के बारे में, जो कि अपने आप में ही एक ब्रांड है। ये बात है साल 1998 की, जब टाटा मोटर्स के पास मेनली दो फेमस कार थी, जिसमें से एक थी टाटा सुमो जो कि अपने स्पेशियस होने की वजह से जानी जाती थी, और दूसरी थी टाटा सियरा जो कि अपनी रगेडनेस और ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज की वजह से जानी जाती थी। टाटा सियरा पर हमने पहले से ही एक डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है, आई बटन और डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक है, आप वहां जाकर उस वीडियो को देख सकते हो। तो टाटा मोटर्स के पास सुमो और सियरा जैसी गाड़ियां पहले से थी, लेकिन टाटा मोटर्स वाले कुछ नया करने की सोच रहे थे और वो लोग ऐसी गाड़ी बनाना चाहते थे जिसमें टाटा सुमो जैसा स्पेस और कम्फर्ट हो और टाटा सियरा जैसी रगेडनेस और ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज हो। और टाटा मोटर्स वाले ऐसी गाड़ी बनाने में बहुत सक्सेसफुल रहे और साल 1998 के ऑटो एक्सपो के अंदर टाटा सफारी के फर्स्ट जनरेशन का डेब्यू हुआ। टाटा सफारी 2 लीटर के टर्बोचार्ज डीजल इंजन में 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आती थी, जो 90 bhp की पावर प्रोड्यूस करता था, और ये गाड़ी 4x4 ड्राइव ट्रेन के साथ आती थी, इसलिए ये एक प्रॉपर ऑफ रोडिंग कार थी। क्योंकि टाटा मोटर्स ने इस गाड़ी को टाटा सुमो और टाटा सियरा दोनों की कैपेबिलिटीज का एक मिक्स्ड वर्जन बनाया था, इसलिए सफारी की स्पेस भी अच्छी थी और कम्फर्ट भी अच्छा था, और ये 4x4 ड्राइव ट्रेन के साथ आने वाली एक बहुत ही कैपेबल और प्रैक्टिकल एसयूवी थी। सफारी के बोल्ड लुक्स और बॉक्सी डिजाइन की वजह से इस गाड़ी की रोड प्रेजेंस बहुत अच्छी थी और रोड्स पर ये गाड़ी बिल्कुल अलग दिखती थी। अपनी अच्छी कैपेबिलिटीज और रोड प्रेजेंस के चलते सफारी की सेल्स बढ़ती चली गई। साल 1998 से 2004 तक सफारी में माइनर अपग्रेड्स किए गए और साल 2005 में टाटा मोटर्स ने सफारी का फेसलिफ्ट लॉन्च किया जिसका नाम था सफारी डायकोर। सफारी डायकोर के लुक्स में चेंजेस किए गए थे जिसमें इसका डिजाइन तो ऑलमोस्ट पहले जैसा ही था, लेकिन इसके हेडलाइट्स, ग्रिल और बाकी पार्ट्स में कॉस्मेटिक चेंजेस किए गए थे जिससे गाड़ी का लुक और भी ज्यादा एनहांस हो गया था। फेसलिफ्ट में सफारी के अंदर सबसे बड़ा चेंज इंजन में किया गया था क्योंकि इसमें मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ 3 लीटर का टर्बोचार्ज डीजल इंजन ऑफर किया गया था जो 116 bhp की पावर और 300 nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता था। साल 2007 में टाटा सफारी का और ज्यादा अपग्रेडेड वर्जन लॉन्च किया गया और इसमें एक्सटीरियर के साथ इंटीरियर में भी काफी ज्यादा अपग्रेड्स किए गए थे और साथ ही इसमें डुअल एयरबैग्स, ABS विद EBD जैसे सेफ्टी फीचर्स के साथ, रियर एसी वेंट्स और LCD स्क्रीन्स के साथ DVD प्लेयर जैसे फीचर्स भी दिए गए थे। इस गाड़ी में भी इंजन अपडेट किया गया था जो कि 2.2 लीटर का डीजल इंजन था जो 140 bhp की पावर और 320 nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता था। टाटा सफारी का यह वर्जन 2007 से 2012 तक इंडिया में बिकता रहा। साल 2012 के ऑटो एक्सपो में टाटा सफारी का एक और फेसलिफ्ट लॉन्च किया गया जिसका नाम था टाटा सफारी स्टॉर्म। सफारी स्टॉर्म पहले वाली सफारी से बहुत ज्यादा बोल्ड लुक के साथ आती थी और इसका डिजाइन बहुत ज्यादा स्पोर्टी हो गया था और इसमें 2.2 लीटर का डीजल इंजन दिया गया था जो 150 bhp की पावर और 320 nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता था। साल 2015 में सफारी स्टॉर्म के इंजन में और ज्यादा अपग्रेड किया गया जिसमें 2.2 लीटर का वेरिकोर 400 डीजल इंजन मिलता था जो 156 bhp की पावर और 400 nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता था। सफारी को इंडिया में बहुत पसंद किया जाता था, लेकिन 2019 में टाटा मोटर्स ने इस गाड़ी को डिसकंटिन्यू कर दिया था और आज भी छोटे से बड़े पॉलिटिशियंस, यहाँ तक के PM के भी कॉन्वॉय में टाटा सफारी को आसानी से देखा जा सकता है। सफारी को लोग इसलिए भी पसंद करते हैं क्योंकि इसे आर्मी सर्विसेज में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है और इसलिए टाटा सफारी का फैन बेस इंडिया में आज भी बहुत बड़ा है। तो यही था आज के वीडियो में, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करना और कमेंट में जरूर बताना कि वीडियो कैसा लगा, और साथ ही कमेंट में ये भी बता देना कि अगला वीडियो कैसा और कौन सा टॉपिक पर चाहिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दो क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है।